साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा जी। और किस तरीके से किसान अतुल जी ये जो आपकी भटकाने वाली जो टैक्टिक है वो आई एम सॉरी इट विल नॉट रन इन महाभारत। एक मिनट ए के मिश्रा जी ये पहले वाले बयान भूल जाए तो इनके लिए अच्छा है, मुंह कहां छुपाएंगे वरना। एक मिनट और आप देखिए किस तरीके से मिश्रा जी लोग इस ऊंची राजनीति करके। मैम देखिए क्या है, बोलिए मिश्रा जी। मैं मानता हूं कि ये वैक्सीन नहीं है, मैं मानता हूं वैक्सीन नहीं है, इन लोगों को विश्वास नहीं है, ये बेचारे अनपढ़ है, गवार है। इनके लिए जो सबसे पुरानी वैक्सीन और सबसे ट्रस्टेड वैक्सीन है ना, जो रेबीज की वैक्सीन है, इन लोगों को रेबीज की वैक्सीन लगवाएंगे जिनके ऊपर इनका विश्वास है। कोवैक्सीन कोविड की वैक्सीन इन लोगों के लिए नहीं बनी है। रही बात आपदा में अवसर, हाँ ये आपदा में अवसर है, ये 120 करोड़ भारतीयों की सेवा का अवसर है जो सरकार और डॉक्टर मिलकर कर रही है, ये पूरी मानवता की सेवा करने का अवसर है जो भारत देश कर रहा है, ये भारत की फार्मा इंडस्ट्री को दुनिया में जगत गुरु बनाने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए ये अवसर है। हम इसको आपदा को इस अवसर में देखते हैं, आप इस आपदा को अपने स्वार्थ में देखते हैं। आप कोरोना की वैक्सीन मत लगवाइए, कसम खाइए, आपको रेबीज की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तब आपको कोरोना की वैक्सीन उसके बाद दी जाएगी ताकि आपको समझ में आए कि कोरोना की वैक्सीन क्या है। आप रेबीज का वैक्सीन पहले लगवाइए, फिर डिबेट में बैठिए, तब आपको कोरोना की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत समझ में आएगी। जाइए पहले रेबीज का वैक्सीन लगवाइए, फिर आइए। एक सेकंड रुकिए, रेबीज का वैक्सीन लगवाइए तब आइए। आपको पहले रेबीज के वैक्सीन की जरूरत है। अतुल जी इतनी अपने बयानों पे अब डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए दो वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बयान है ना आपके नेताओं के वो हमारे पास है, तो आप क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं है आपको लगवाने की। अब उन बयानों से पीछे नहीं हट सकते। एक मिनट रुक जाइए, मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले। एक मिनट डॉक्टर रवि मलिक मुझे बस एक बात बता दीजिए। एक मिनट रुकिए। और रही कोरोना की बात, तो आपदा में अवसर दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 8000 करोड़ का विमान भी इसी कोरोना में खरीदा है। 2 करोड़ लोगों ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अपना डे नौकरी भी इसी समय गवाई है। एनएसएसओ के मुताबिक 45 वर्ष की बेरोजगारी है और 70 वर्षों में ऐतिहासिक जीडीपी की गिरावट है। तो ये सारी उपलब्धियां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सांचे में ही जाएंगी। आपके नाम में विश्वास है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सुची विश्वास आपका नाम है, लेकिन स्वभाव में बहुत अविश्वास है, क्योंकि पूरे देश में घट रहा है समाज। मैम पूरी दुनिया में कोरोना आया, तो उसमें किसी एक इवेंट की वजह से कोरोना हुआ? बहुत सी देश है जहां पर शायद इस तरह के आयोजन नहीं हुए, वहां कैसे कोरोना पहुंच गया? आप उसमें जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए के मिश्रा जी मैं आ रही हूं आपके पास। सुची जी थोड़ा सा अविश्वास नहीं, विश्वास बहाली पर काम करते हैं। मिश्रा जी मुझे ये बताइए कि यहां पर 5 राज्यों का चुनाव नजर आ रहा है, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? आपने पुडुचेरी की, आपने केरल की नर्स खड़ी कर ली, आपको कोरोना का टीका लग रहा है 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को, वो नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री कब लगवाएंगे, मोदी जी कब लगवाएंगे, पहले खुद लगवाएं, वो भी लगवा ली, लेकिन नजर क्या आया पुडुचेरी और केरल की नर्स? देखिए ये कितने बड़े सेपरेटिस्ट हैं, विघटनकारी इनकी मानसिकता देखिए। एक नर्स, एक डॉक्टर हमेशा नर्स होता है, डॉक्टर होता है। इसमें भी ये प्रांतवाद देख रहे हैं कि ये केरल की नर्स है तो ये यूपी की नर्स है। अरे भाई अगर आपको इतना वो है तो ये कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस थोड़ी है कि आप केवल यूपी के लोगों से ही जो है सारा काम करवाएंगे। इनकी हालत ये हो गई है मैम, जैसे छोटे बच्चे डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए जाते थे ना, तो दूर से देख करके ही डरते थे। भारत के कल्याण को करके ये दूर से ही डर रहे हैं। उद्यमेन ही सिद्धांते कार्याणी न च मनोरथे। अभी कांग्रेस की मेरी मित्र ने एक संस्कृत का श्लोक बोला, उसका ये जवाब है। आपको कुछ करना तो है नहीं, आपने न थाली बजाई न जागरूकता फैलाई और टीका लगवाने के लिए भी आप मेरी आ रही हूं आपके पास, आपके पास आ रही हूं। अतुल जी एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए उन्हें, देश के जनता के लिए। अतुल जी आ रही हूं आपके पास, आपके पास आ रही हूं। आप असली घातक यही लोग देखिए,
जो हाँ। जो मौलाना जिहादी मौलाना जिसने कोरोना फैलाया था दिल्ली में, उसका दूसरा पार्ट टू ये प्ले करने जा रहे हैं, टीका ना लगवा के टीके का विरोध करके। हाँ। बता दे टीका, अरे बीजेपी ने अपनी अपनी लैब खोली है क्या? कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो खोली नहीं है, वो साइंटिफिक तरीके से बना हुआ, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ टीका है भाई, उसमें सनातन नहीं है। उस टीके का रंग भगवा नहीं है सर, उस टीके का रंग भगवा नहीं है। आप डरिए मत, आप भगवा से डरिए, आप आरएसएस से डरिए, बीजेपी से डरिए, लेकिन उस टीके से डरने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, अब मैं अतुल जी, आपके जरूरत नहीं है ना टीके का रंग भगवा है, ना वो बीजेपी के लैब में बना है, ना आरएसएस के लैब में बना है, आप वो वैज्ञानिकों ने बनाया है। सम्मान करिए अतुल जी, मुझे ये बताइए, केवल रंगों में सम्मान करिए अतुल जी, मुझे ये बताइए, आपके नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए।